दुर्वासा ने कहा एक बात बता दे, तेरे गर्व के हरण करने को ये पहाड़ जहां भी उतरेगा, अगर वो सीधा उतर गया तो समझ ले उस पहाड़ पे कभी अन्न नहीं फटेगा और उसको चोरी हो जाएगी। और ये अगर टेढ़ा होकर उत्तर की तरफ झुक गया तो यहां भक्ति का मार्ग नहीं होगा, मेरे पूजा करने वाले नहीं होंगे, और दक्षिण की तरफ झुक गया तो तू यहां होगा और गुरु पूजा होगी। उसने कहा प्रभु फिर आप ही निर्णय करो कैसा करना है। बोले तू जब यहां से पहाड़ लेके आया तो तू बता दे तुझे क्या करना है। उसने कहा कि प्रभु ऐसा करो, अगर ये दक्षिण की तरफ झुक के जाता है मैं उसके ऊपर बैठता हूं तो मेरा भाई यहां आकर फिर मेरे से झगड़ा करेगा, और सीधा सीधा उतर जाता हूं तो आप कहते हैं कि चोरी होगी तो यहां ना बचेगा ना किसी को देने से दूंगा। इससे इस पहाड़ के ऊपर ऐसी गलती का कारण हुआ, यहां आपके धर्म को न मानने वाला और कोई ना आने वाला ऐसा ही व्यक्ति हो, केवल मैं आपके धर्म को मानने के लिए मैं कहीं दूसरी जगह जाकर रहूंगा, और ये गलती का एहसास ये पहाड़ दिलाएगा कि जो गुरु भक्ति नहीं करता वो क्रूर बनता है, राक्षस बनता है, उसका धर्म नहीं होता, इसलिए इसको उत्तर की तरफ ही झुका दो। और उस पर्वत की स्थापना उत्तर की तरफ झुका कर ली और उसको आज भी टीला के नाम से जाना जाता है। वह टीला पंजाब से 60 किलोमीटर की दूर पर आज भी वहां के तिब्बतियों में यह गाना गाया जाता है कि टीला गोरक्षनाथ भूसानाथ और भारतनाथ के झगड़े में एक टीला का स्थापना हुई, और वह टीला जहाँ पड़ा वो आज का परशुपुर यानी पेशावर है और पाकिस्तान है। अब आगे मैं कहने की जरूरत नहीं कि धर्म की स्थापना हमारी कैसी हुई और क्या हुई और क्या चल रहा है, इस तरह के एक धर्म की स्थापना हुई जो इन दोनों के झगड़े के कारण और हमारा धर्म वहां से चला गया। और धर्म की स्थापना होने एक गुरु के तत्व को हम ना कहेंगे तो हम ये सारी झगड़े होते, हम गुरु के नाम पर जब झगड़ते हैं तो तुम लोक कल्याण की जगह लोगों का कल्याण या कल्याण करते रहते हो, इसलिए कभी अपने अहंकार में जाकर कभी गुरु कार्य में अहंकार को लाने मत दो और अहंकार के कार्य से कार्य मत किया हो। बाद में इन दोनों को लेकर जब उन दोनों ने अपनी क्षमा मांगी तो इन दोनों को उन्होंने सिद्ध वन यानी सिद्धाश्रम में ले गए और वहाँ उनकी स्थापना की। आज भी आसाम हुआ है कि लोग वहाँ जाते हैं और सिद्धाश्रम की स्थापना होगी। मेरा कहने का अर्थ ये था कि हम गुरु के वचनों को जानकर गुरु के वचनों को लेकर जब तक नहीं चलते, गुरु की आज्ञा जब तक नहीं मानते, हम सिद्ध वन पहुंच नहीं सकते, सिद्धांत जा नहीं सकते या गुरु को प्रसन्न नहीं कर ले सकते। गुरु के नाम पर भी हम अगर झगड़ते हैं तो अकल्याणकारी ही है, उसको कल्याण उनका कल्याण नहीं हो सकता, वो कार्य लोक कल्याण कर स्वतः कल्याण भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमें अगर सिद्धाश्रम में जाना है तो पहले हमें हमारे अहंकार को छोड़ना होगा, हमारे गुरु के वचनों को मानना होगा और गुरु के वचनों को मानकर चलना होगा। ऐसा जो चला बाद में उन्होंने यही भासनाथ को, भूसानाथ को और भारतनाथ को आई नाम के पंथ को चला। आज भी वो आई पंथ वहां चलता है जो मानते हैं इस पंथ को गया था, और यही पंथ के लोग आज दत्त पंथ गिरनार में भी पाए जाते हैं। इस पंथ के लोगों के साथ अगर हम एक बार भी उनका दर्शन कर लेते हैं तो कहते हैं कि माता पार्वती और शिव जी का दर्शन होता है, और वो इस जन्म में नहीं तो किसी भी जन्म में अगला जन्म उनका ऐसा होगा कि वो निश्चित रूप से सिद्धाश्रम पहुंचेंगे और उनको शिव कृपा प्राप्त हुई होगी। अगर शिवरात्रि के दिन हम वहां रहते हैं, यही कारण है मैंने इस बार शिवरात्रि के दिन गिरनार पर्वत पर यह शिवरात्रि मनाने का निश्चय किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो गुरु जी की इच्छा थी उसके लिए अब कितने लोग हैं जो दस महाविद्याओं में तीन महाविद्याएं सिद्ध किए हैं, कितने लोग इन महाविद्याओं को सिद्ध कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा सा रास्ता है तो कम से कम उन सिद्धों को देखकर, उन सिद्धों के हाथ को पकड़कर हम सिद्धाश्रम पहुंचे। मेरा प्रयत्न हर बार यही रहा है कि आपको उस गुरुवचनों को लेकर हम आगे चलें, निखिल चेतना केंद्र यह कार्य करें कि हमारे लोग सिद्धाश्रम के मार्ग पर कम से कम हम कदम रखते हैं तो आगे का काम गुरु हाथ बढ़ाकर हमें खींच लेंगे, हमें आगे ले लेंगे। अगर हमारा उद्देश्य सीधा है, हम हमारे उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, हम आज तक उद्देश्य छोड़ दिए, हम क्या कहते हैं केवल गुरु के पास आते हैं तो गुरु जी मेरे बेटे की शादी नहीं, मुझे नौकरी नहीं लगी, मेरे को पैसा नहीं मिला, मेरा घर नहीं बंधा, मेरा मुझे वो बीमारी है, इसके कारण ही आते हैं, लेकिन गुरु जी के वचन को लेकर नहीं आते कि गुरु जी किसके यहाँ उनका जन्म हुआ था और किस सिद्धाश्रम के लिए उनका जन्म हुआ था। कम से कम मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे समस्या
समस्याओं के साथ एक गोल भी एक लक्ष्य भी रखो कि हमें सिद्धार्थ में पहुंचना है और उसके लिए क्या करना है। अब तक तो बहुत 20 साल हो गए मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ या कुछ करके भी जाऊँ, हर बार यही ना मुझे पैसा नहीं है, घर मांग रहा हूँ बीच में रुक गया, कार खरीद रहा हूँ, बच्चे पैदा नहीं हुए, शादी हुई शादी नहीं हुई, यही कार्य चलता है। एक बार आप सिद्ध तो बन जाओ, आपका कल्याण भी, आप हजार लोगों का कल्याण कर सकते हैं और उसके लिए उन्होंने सिद्धार्थ की स्थापना करते हुए सिद्धार्थ में आगे जाने की और निरोगी काया की बात कही थी, वो योग था उसे शिव योग कहा जाता है। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जब मैं उंगली पकड़ कर कहीं आपको ले जाता हूँ तो आप मेरे साथ आओ। मैं कहता हूँ कि परमपुरुष शंकरदेव जी को जरूर सिद्धार्थ के मार्ग पर जाकर पुकारूंगा और कहूंगा कि प्रभु आपने कहा है इस मार्ग पर मैं इन लक्ष्मी को लेके आया हूँ, आप हमारे को एक बार सिद्धार्थ का दर्शन करवा दो और हम आगे चलेंगे। हम कोई दर्शन विद्या सिद्ध नहीं कर सकते, हमारे को दर्शन विद्या सिद्ध करने नहीं आता, आप सिद्धों के हाथ से हमें ले जाओ। अगर एक लाइसेंसर पर्सन है, गुरुजी भी कहा करते थे कि गुरुजी ने अंग्रेजों को भी जो ऐसे साइंटिस्ट थे उन लोगों को जब गुरुजी के चरणों में आए और उन्होंने गुरुजी को नमस्कार किया और कहा कि क्या सिद्धाश्रम आज भी विराजमान है और सिद्धाश्रम में कैसे जाया जाता है, तो गुरुजी ने कहा दसवां विद्या में जो महाविद्या सिद्ध होती है तो वहां में वहां प्रवेश मिलता है। तो उन्होंने कहा हमें दसवां विद्या में प्रवेश करना, दसवां विद्या सिद्ध नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि अगर कोई सिद्धाश्रम का सिद्ध अगर अपना हाथ पकड़ कर ले जा सकता है तो वो लाइसेंस होल्डर होता है, तो उनको लेकर सिद्धाश्रम का दर्शन करवा के आ सकता है। और गुरु ने आप अगर 1986 की पत्रिका देखें तो गुरु ने कहा है वहाँ 3 अंग्रेजों और 2 हिंदू प्रोफेसरों को गुरु ने अपना हाथ पकड़ कर उनको सिद्धाश्रम ले गए थे और 3 दिन वहाँ वास करके उनको लौटा कर लाए थे। 86 की पत्रिका में 1986 की पत्रिका में लिखा हुआ। मैं आपको यही कह रहा हूँ आप गुरु जी के मार्ग पर चलते हुए हम आगे बढ़े, हम प्रयत्न तो करें कि हम आगे किस प्रकार जाएं, हमारी काया को निरोगी काया किसे बनाए। एक बार अगर हम सिद्धाश्रम पहुंच कर एक बार उसकी धूल को भी अपने माथे पर लगाते हैं तो हमारे को दशमा विद्या सिद्ध सारे सिद्ध दिखते हैं और हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं रहेगी, हम कामधेनु को कंठ को सिद्ध करवाने वाले कहलाए जाते हैं। तो मैं इस वर्ष यही प्रयत्न कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कहता हूँ प्राकृतिक दृष्टि से तो आयु तो मेरी भी हो रही है, मुझे भी साधना करनी है, मुझे भी आगे निकल चेतना केंद्र का काम करना है। कल तक जिस किस तरह भी जो भी कार्य करता रहा लेकिन आने वाले पीढ़ियों के लिए गुरु जी के लिए क्या है। आज हम जोधपुर में गुरु जी का मंदिर नहीं है, गुरु जी को देखने वाले कहीं नहीं, कहीं कहीं छोटे छोटे मंदिर रखे हुए हैं तो गुरु जी की मूर्ति रखी हुई है, क्या इससे सिद्धार्थ की प्राप्ति होगी। हमें क्या करना चाहिए, क्या करने से हम सिद्धार्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये ठान लिया है कि आने वाली पीढ़ी भी अगर कोई ऐसा मंदिर बने जहाँ दशमा विद्याएं जहाँ गुरु जी ने की हो और ऐसी गुरु जी की स्थापना हो जहाँ साधना करने पर उसको दशमा विद्या सिद्ध हो और गुरु जी वहां से उसको सिद्धाश्रम ले जाए, आने वाली पीढ़ी ये देखे। ऐसा ही मंदिर नितिन चेतना केंद्र हैदराबाद में स्थापना करने की मैंने ठानी है और निश्चय किया। आज काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़कर नया बनाया जा रहा है, उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। जो वहाँ के शिल्पी हैं उन शिल्पियों को भी मैंने पूछा कि आगम शास्त्र के विधान से गुरु मंदिर बने, दशमा विद्याओं का मंदिर बने और ऐसा मंदिर जो संसार में फिर दूसरा ऐसा मंदिर बनने की चेष्टा ना हो, ऐसा मंदिर बने और गुरु जी की प्रतिष्ठा हो। जो उस मंदिर में अगर एक बार भी गुरु मंत्र जप कर ले या साधना करें तो उसकी इच्छा पूर्ण हो और वो सिद्धाश्रम पहुंच सके, ऐसा मंदिर मैं बनाना चाहता हूँ। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी हंसे कि पहले तो निखिल चेतना केंद्र होना ही बड़ी मुश्किल है मेरे पास तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो होना है, लेकिन एक मन कहता है तू साधना कर। जैसे गुरु जी ने कहा है अगर लक्ष्मी मेरे आंगन में नाचती है तो जोशी तेरे आंगन में भी नाचेगी, अगर मेरे आंगन में नाचेगी तो गुरु मंदिर जरूर होगा। प्रभु जो आप आज टीले की बात कर रहे, टीला जिसमें गोरखनाथ
के मंदिर से जहां से टुकड़ा चले गया था और आगे जाकर वो पाकिस्तान में रहा। ऐसे किले के बाजू में नाथ संप्रदाय के लोग लगने वाले एक बहुत बड़ा पहाड़ है। अगर आप आज्ञा दें तो जोशी गुरु जी आपको एक बात बताते हैं, हम वो पहाड़ ही खरीद लेंगे और उसके उससे पत्थर जो निकलता है उससे मंदिर बांध लेंगे। बात तो अच्छी लगी, पैसा रुपया भी नहीं, मैंने कहा पहाड़ खरीद लो। पहाड़ खरीद लो क्या मजाक की बात है, पहाड़ खरीदना और वहां से पहाड़ से पत्थर हैदराबाद को आना, ये ट्रांसपोर्ट और पहाड़ दोनों के लिए। पहाड़ का पत्थर आने के बाद यहाँ नक्काशी की जाएगी हैदराबाद में, बाद में मंदिर बनेगा, ये क्या होने वाली बात है। मैं दो मिनट सोचा, बोला कितना लगेगा पहाड़ खरीद करने के लिए, तो क्या है गुरु जी मैं वहां से पूछ के बोलता हूँ, क्योंकि वहां पहाड़ तो खोदने के लिए देते हैं बेचे जाते हैं। उसने कहा गुरु जी बहुत कोशिश करने के बाद 16 करोड़ बोल रहा है वो पहाड़ पूरा देने के लिए, 16 करोड़, 16 पैसे जेब में नहीं। मैंने कहा तुम खरीद लेने की बात करो, मैं तुम्हें अप्रैल तक पैसे दे दूंगा। आज भी कहता हूँ पैसे नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी मेरे को है, मेरे गुरु जी की कृपा है, मेरी साधना बल है, तो मैं आप सभी के सामने ऐसा मंदिर बनाऊंगा कि आने वाली पीढ़ी याद रखें, आने वाले 500 साल याद रखें कि यहाँ ऐसा गुरु मंदिर बना हुआ है, जो भी मंदिर में आकर साधना संपन्न करेगा उसकी साधनाएं पूर्ण हो। वो तो केवल पत्थर खरीदने की बात हुई, नक्काशी और फिर मंदिर गुरु मंदिर बांधना, उसको दशमाविद्या रूप देना, ये बात अलग। मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपके सामने उदाहरण बनना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कार्य किया है तो आप भी कर सकते हैं, आप भी साधना का नाम अपना कर ये बात कर सकते हैं कि आप सिद्धार्थ की स्थापना सिद्धार्थ में जाने की क्रिया कर सकते हैं। लेकिन आपको उस मार्ग पर ले चलने वाला एक आदमी हो, उस मार्ग पर चलने वाला आदमी हो और प्रयत्न कर रहा हूं कि आपको मैं उस मार्ग पर ले चलूं। अब उसका पहला कदम हमने रखा है गिरनार पर्वत पर आज शिवरात्रि में, और दूसरा कदम रखा है हम कांचनजंगा। कहते हैं कांचनजंगा में जब वहां हम हैं तभी पूर्णिमा के दिन से होने वाले क्रियाएं वहां चलती है, और वहां एक पेड़ जो शून्य मार्ग से आता है, वहां बाबा योगावतार बाबा महावतार के साथ एक संत मंडली वहां बैठती है, और बैठकर वो रात में चर्चा होती है, साधनाएं होती है, और भूमंडल पर होने वाले जितने भी प्रकृति विरुद्ध कार्य है उसका प्रभाव पहले भारत पर ना पड़े इसके लिए वहां विचार विमर्श होता है। और वो सुबह के समय में वो फिर पेड़ के साथ गायब हो जाता है, कर्तपुरुष गायब हो जाता है, साधु संत सब गायब हो जाते हैं। हम जिस कांचनजंगा पे जा रहे हैं अभी आपको नहीं बताना चाहिए, फिर भी मैं आपको जिज्ञासा के कारण बता रहा हूँ, क्योंकि गुरु ने ये बात मुझे कही थी। जोशी 13 पुनर्जन्म का संबंध मेरे साथ है और कांचनजंगा के पास मैंने कुछ वस्तुएं रखी। मैंने तब भी गुरु जी कहा था गुरु जी मुझे किसी ऐसे भ्रम में ऐसी आशा में ऐसे मोह में मत डालो ताकि मैं उस मोह में आपको भूल जाऊं। मैं ऐसे मुझे केवल आपकी चरण चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, ये बात मैंने गुरु से कही थी। लेकिन जब आने वाला कल देख रहा हूं अगर मैं ऐसा ही करके जाऊं तो आप सब लोग या भाई दत्तु हो या मेरे पुत्र हो पुत्री हो सब लोग, पिताजी तो इतनी बड़ी इतना बड़ा कार्य करके चले गए, अब इसको कौन संभालना, कैसे संभाला जाएगा, कौन संभालेगा, यह प्रश्न तो हर एक को उठता है। अगर इसका क्या होगा तुम्हारे पास, जब गुरु जी आए चले गए तो मैं भी आया चला जाऊंगा, कल इतनी चेतना के तेरे को कौन चला है, किस तरह हो। इसके लिए मैंने सोचा है कि गुरुमूर्ति की स्थापना हो और उस गुरुमूर्ति अपनी साधनाओं के बल पर आश्रम चले, जो चमदग्नि आश्रम हो, जो वशिष्ठ का आश्रम हो, ये आश्रम कैसे चलते थे, गांव धेनु के बल पर, कल वृक्ष के बल पर, वहां केवल जाने के बाद ही उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी, ऐसा कार्य होता था। अगर मैं वहां गुरु जी की स्थापना करता हूं तो मेरे आश्रम में भी कामदेव और कल्पवृक्ष होंगे, आने वाले 500 साल के लिए वो भी रहेगा और खाएंगे, और किसी को एक पैसा खर्चा करने की ये नहीं, खर्चा करना या वहां की प्राप्त करने की, आप जो भी चाहेंगे वहां आपकी इच्छा पूर्ण हो, या वहां चलने के लिए किसी को कष्ट उठाना ना पड़े, जल धेय लेकर चल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपका धेय भी ऐसा हो, आपके पुत्र आपके पौत्र आपके घर वाले आप रहे या न रहे, आप साधना को जाए या मेरे साथ सिद्धार्थ वहां जाए, वो कहे कि हमारे पिताजी ने या हमारे उसने हमारे लिए भरपूर देके गया है, हमारे को किसी को प्रकार की कमी नहीं की, मेरा बाप या मेरा पिता मेरा नाना मेरा दादा उस
उसने प्रभु सत्य स्वामी कृष्णा जी के मंदिर को बनते हुए देखा है, उसके एक एक ईंट को उन्होंने धोया है, उसको देखा है। आज नहीं तो कल 100 साल के बाद बोलेंगे कि इनके चेतना केंद्र की ईंट और हमने गुरु को देखा है, तब पूछेंगे। यही बात प्रभु जी सतगुरुदेव जी ने कहा कि जोशी मेरे बाद मेरे मंदिर बनाए जाएंगे, घंटे घड़ियाल बजाएंगे, रोज आरती होगी, लेकिन मैं जिंदा हूं, मुझे पहचानने वाले लोग नहीं, मैं बहुत पहचान क्या हूं। कभी कभी दुख होता है, कृष्ण को रहते हुए किसी ने नहीं पहचाना, गोपिकाएं माँ सब लोग डांटती रही, शिशुपाल जी साथ में गालियां देते रहा, उसको कोई पहचाना नहीं जब कृष्ण था। जब कृष्ण चले गया तो आज उसकी पूजाएं होती, आज स्वामी कृष्णाजी चले गए, कृष्णाजी चले गए, आज उनके मंदिर बन रहे हैं, उनकी बात सच है। लेकिन ये गर्व के साथ हम आज कहते हैं कि मैंने उस कृष्णाजी जी को देखा है, मैंने उनके चरण धोए हैं, उनके चरण को छुआ है। और गुरु जी ने कहा था अगर केवल ये बात आने वाली पीढ़ी को कह दे कि मैंने कृष्णाजी को देखा है, उनके चरण छुए हैं, तो लोग तेरे चरण छुएंगे, ये वो दिन दिया है। आपका आज का कार्य, आपने घर बांधा है, बच्चे को इंजीनियर किया है, बच्चे को डॉक्टर किया है, पोते पोती हो गए, इसको आने वाली पीढ़ी है, आपका पोता या आपका बेटा आपको संस्मरण नहीं करेगा, आपको संस्मरण करेगा कि आप जिस दिन कहेंगे कि हमने इस निखिल चेतना केंद्र के ईंट को या एक झोपड़ी थी ये मंदिर बनते हुए हमने देखा है, या हमने सेवा की, यहाँ हम रह के गए, तो आपके चरण नाच पे आने वाले थी, तो मेरा नाम नहीं कहना कि जरूर होगा। हम ऐसा कोई कार्य करें कि आने वाली पीढ़ी याद रखे, आने वाला दिन याद रखे, और उसके लिए गुरु जी ने हमें मार्ग बताते हुए कहा था कि सिद्धाश्रम प्राप्ति की साधना, सिद्धाश्रम में तुम पहुंच जाओ, सिद्धाश्रम में तुम देखो कि आगे क्या करना है। सिद्धाश्रम के सिद्ध योगी ऐसे थे कि जो असंभव कार्य को संभव करते थे। मैंने ऐसा अभी कहा आपको, ये एक राजा था और उसकी पत्नी का नाम था विमलावती, उसको एक पुत्र हुआ, बाद में उस राजा ने दूसरी शादी की, दूसरी शादी की तो जिस दिन राजा अपने पुत्र को कहा कि बेटा तुम श्रेष्ठ रूप से अब राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हो गए हो, अब राजा राज्याभिषेक कर लो और तुम राजा बन जाओ, मैं वन प्रतिशत लेने के लिए जाऊंगा, तो इतना सीधा साधा था, वो अपनी माता को नमस्कार करने से पहले अपने सावत्र जो दूसरी माता है उनको नमस्कार करने के लिए गया और उनके चरण में जैसा ही झुकना चाहा, उसकी ये ठीक नहीं थी। उसने कहा कि तू मुझे माता कहकर पुकारना नहीं चाहिए, तू और मैं समवयस्क है, एक ही वय के हैं हम, तेरे पिताजी ने मेरी शादी कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ी आयु वाली हो गई, तू मेरा और मेरा वय है, तू मेरे से संबंध बना। ये बात सुनकर उसको दुख हुआ कि माँ जिसको मैं पूजनीय दृष्टि से देखकर नमस्कार करने के लिए आया और वो जब उसके हाथ पकड़ने गई तो हाथ झटक के चला गया और उसको बहुत दुख हुआ, बहुत नाराज होकर अपने माँ के पास आया, माँ के चरण छुए और राज्याभिषेक के लिए जैसा ही जाने की क्रिया किया, तब राजा ने उस सावंत माँ को बुलाया कि अब आज पट्टाभिषेक है तो आ जाना। तो राजा जैसे ही उसके पास तो दूसरी रानी के पास गया और उसको बुलाने गया तो वह अपने सारे बाल नोच कर बैठी थी, साड़ी फाड़ कर बैठी थी, नाराज हो रही थी जोर जोर से। राजा ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो बोलता रही थी तेरा जो बेटा है वो आज मुझे मिलने आया था और उसने मेरे ऊपर गलत दृष्टि डाली और मुझे सब ऐसा करके बर्बाद करके चला गया, देख मेरे मेरी हालत क्या बनी है, कैसा कर गया और तुझे राजा बनाएगा तो कल मेरी हालत क्या हो जाएगी। जब राजा ने बात अपनी दूसरी पत्नी के पास सुनी तो कहा बेटे को बुलाया और कहा तू इतना दुष्ट है, इतना खराब है, उसको बोलने की एक भी समस्या नहीं थी। अपने सैनिकों को बुलाया और कहा किसके हाथ पैर काट दो, इसको जंगल में डाल दो और मेरे पत्नी को संतुष्ट करने के लिए उसके दोनों आंखें भी निकाल कर मेरे पत्नी के सामने ला कर दो। सैनिकों की आज्ञा हुई, गए उन्होंने उनके हाथ पैर काट दिए, उसको एक बहुत पुराना कुआं था उसमें डाल दिए और उसकी आंखें निकाल कर रानी के पास लेके आकर बता दिया कि रानी ने देखा हाँ यही आंखें हैं और उसने कहा कि इस आंखों को जला दो।
वो संतुष्ट हो गई। उसके माँ को भी जेल में डाल दिया गया, कैसे पुत्र को तुमने जन्म दिया, वो दोनों रहने लगे। बात ये भी कि वहां से गोरक्षनाथ जी गुजरते हुए आए और उन्होंने एक नाटक किया कि भाई यहाँ कुआं है, कुएं में पानी है, तो जरा लेके आ। उसी कुएं में वो राजकुमार पड़ा हुआ था, तो उनका शिष्य आया और देखा, अरे नहीं नहीं गुरु जी उसमें पानी नहीं है, मैं देखता हूँ कोई करा रहा है अंदर पड़ा हुआ है। तो गोरक्षनाथ ने कहा उसी के उद्धार के लिए मैं यहाँ आया। तो बोले उसको उठा के ला प्रभु, बॉडी में उतार तो उसके लाने नहीं आता। गोरक्षनाथ आ गए और अपने हाथ को बॉडी में इतना लंबा कर दिया कि उसको उठा कर ऊपर आए और अपनी गोदी में बिठा लिया। और उन्होंने अपने धुनि का निकाला हुआ भस्म निकाल कर उसके अंगों को लाकर जोड़ दिया और उसको श्रेष्ठ जीवंत कर दिया। उसके आंखें लाए, उसके हाथ पैर लाए, सब लाए और उसको जीवंत कर दिया, उसको प्राणापन्न कर दिया, प्राण से श्रेष्ठ कर दिए। जब वो देखकर आश्चर्यचकित हो गया, प्रभु आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की, मैं तो अपनी चरण में आपकी सेवा में बैठ जाता हूँ। उसको सारी सिद्ध विद्याएं सिखाई,